नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जलंधर के अधीन आते भोगपुर के गांव चक झंडू में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को आधुनिक हथियारों सहित किया काबू। भीकीवन के अधीन आते गांव डल में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या, से तेरा भाई गंभीर रूप से घायल। थाना गोइंदवाल साहिब के अधीन आते गांव वेईपुर के नजदीक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रेलिंग से टकराया, इसकी मौत, एक घायल। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर जिले के अधीन आते भोगपुर के गांव चक झंडू में 3 गैंगस्टर्स के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने सुबह से ही ड्रोन के माध्यम से इलाके की तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके बाद पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस दौरान पुलिस ने गाँव के पेट्रोल पंप पर बंद पड़ी एक कोठी में से 2 गैंगस्टर्स को काबू करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही 3 और गैंगस्टर्स को खेतों में से काबू किया गया। पुलिस की ये कार्रवाई 7 घंटे तक चली। पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग 4 गैंगस्टर्स खेतों में छुपे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही गैंगस्टर्स खेतों में छिपे मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। ਜੀ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸਰਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भीकीवन के हल्का खेमकरण के अधीन आते गांव डल में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे द्वारा अपने चाचा को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक जसबीर सिंह फौजी की पत्नी दविंदर कौर ने बताया कि पारिवारिक जमीन की बांट के हिस्से का ठेका लेने के लिए उनकी ओर से 4 लाख रुपए लिए जाने थे, पर नक्षत्र सिंह जो इस पर अपना हक जताता था और इस बात को लेकर नक्षत्र सिंह उनके साथ दुश्मनी भी रखता था, इस संबंधी गणमान्य व्यक्तियों में फैसला करवाने लगे तो नक्षत्र सिंह ने अपनी पिस्तौल से गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली उसके पति जसबीर सिंह की छाती में जा लगी, जिस कारण जसबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और एक गोली उसके बेटे दलेर सिंह को लगी, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु भीकीवन के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना खालरा के SHO लखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी ओर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भीकीवन से अलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नॉर्मली जमीनी विवाद जिया है ते वो साडा फैसला भी हो गया है ते एकदम ही पता नहीं इन्हें की होया, मैं उठ के गोलियां चलानी शुरू कर दी। अच्छा जी, ते किदे किदे गोली लगी? एक मेरे फादर साहब के लगी है। दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ 100-100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੇਸ ਲਾਉਣੀ ਲਾਈ ਗਏ ਲੇਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੇ ਲਿਫਟ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਫਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਝਗੜੇ। ਅੱਜ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੇ
थाना गोइंदवाल साहिब के अधीन आते गांव वेईपुर के नजदीक देर रात 2 बजे के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गया, जिस कारण हुए इस भयानक हादसे में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची थाना गोइंदवाल साहिब की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल तरनतारन में भिजवा दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान ऋषि देव निवासी रतनिया बिहार के तौर पर हुई है। जरन मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि ऋषि देव गोइंदवाल साहिब में स्थित बर्गर हट रेस्टोरेंट में काम करता था और उन्हें मिलने के लिए शाम के समय तरनतारन में आया था। शराब के नशे की हालत में रात 2 बजे गोइंदवाल साहिब को चला गया, जिसका मोटरसाइकिल गांव वेईपुर के नजदीक टकरा गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल घायल नौजवान के बयान लेने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। जो मौके पर पहुंचे हैं, डेड बॉडी जी एक मिल गई है, ऋषि देव का नाम ही सन ऑफ जगन्नाथ ही वासी जरा रतनिया जिला अपने डिस्ट्रिक्ट अपनी स्टेट बिहार तो उन्होंने डेड बॉडी मिली है जी पोस्टमार्टम लिए अगे भेजती है। वो वारस उन्होंने जोड़े आए आ रिलेटिव आए आ हूँ दूसरा जोड़ा नौजवान एक होर नाल ही वो अजे उत्थे गोइंदवाल साहब कहते एडमिट आ उधर जाके उसकी स्टेटमेंट अजे रिकॉर्ड करनी वापस उधर से लगभग ऐसे 1:45-2 बजे वापस आया। कितना मना किया कि मत जाओ अभी सुबह चले जाना, लेकिन ज़बरदस्ती आ गया। नहीं ड्रिंक किया था, इधर से करके ही गया था वो ड्रिंक। ये सुबह जब सो के फ़ोन आया था, फिर सो के उठे तो किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, फिर हम लोग आए यहाँ पे तो देखे तो कितने लोग थे। ये लोग 2 बंदे थे, एक बंदे तो है, एक बंदे का पता नहीं चल रहा है। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने मंडियों में धान की खरीद के सिलसिले में दाना मंडी जीरा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त फिरोजपुर मैडम अमृता सिंह के अलावा प्रशासन व खाद्य आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कटारूचक ने मंडियों में धान की खरीद और किसानों को किए गए भुगतान पर संतोष व्यक्त किया। वहीं पंजाब सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से पराली को मिट्टी में मिलाने के लिए उपलब्ध करवाए गए कृषि उपकरणों के बारे में एक सवाल उठाया गया तो मंत्री जी बड़े दावे ने कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में किसानों को ये उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। बेसिकली पंजाब के अंदर जोड़ा पैडी की प्रिकोरमेंट का सीजन चल रहा वो लगातार पीकते जा रहा, कुछ ज़िलों के खास करके मालवे के अंदर। सो अज मेरा 2 जिलों के अंदर दौरा, फिरोजपुर और फाजिलका का। सो अज जीरा मंडी को असी शुरुआत की है, मेरे नाल मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इतों के हरमन प्यारे MLA कटारिया साहब जी और साडे मैडम DC अमृता सिंह जी, सो और सारे समस्त अधिकारी सेवान लगातार मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के निर्देश के तहत ये जतन किए जा रहे हैं कि मंडी के अंदर किसी तरह की किसान को दिक्कत ना आए। सो उहदे लई हर रोज़ किसी ना किसी इलाके के अंदर सारे साडे जिहड़े आ वो कलीक और प्रशासन लगा हुआ। मैं तुहाडे माध्यम दे राहीं दसना चाहना ते लोगों नूं पता भी है कि पंजाब के अंदर 1.25 लाख मशीना सरकार ने परचेज करके थले भेजिया ने लोगों च और वो लोग गठे भी बना रहे बड़े बड़े पैमाने ये करके पराली जी अरकन नहीं साड़ी गई। सो इस करके सरकार ने सबस्टीट्यूट दिता है, लेकिन ये मैं महसूस करता भी कला प्रशासक ही नहीं, कला प्रशासकीय कदमों के आधार पर ही नहीं, आम जनमानस के अंदर वातावरण लैके पराली ना साड़न लैके एक चेतनता की लड़ हैगी है। फूड एंड सप्लाई विभाग के सैकटरी राहुल भंडारी ने धूरी की मंडियों का दौरा किया। मंडियों की चेकिंग के दौरान राहुल भंडारी ने मंडी के पुख्ता प्रबंधों को देखकर अपनी संतुष्टि प्रकट की। राहुल भंडारी ने कहा कि धूरी मंडी का काम सबसे बेहतर चल रहा है, खरीद संबंधी जायजा लेने के साथ साथ आढ़तियों की दुकानों की चेकिंग की गई ताकि पता चल सके कि माल सही ढंग से भरा जा रहा है या फिर नहीं। इस जाँच के दौरान फसल की नमी का स्तर भी ठीक पाया गया। वहीं हर एंगल से जांच करके सचिव भंडारी ने खूब वाहवाही बटोरी। इसके साथ ही आरती एसोसिएशन के प्रधान जगतार सिंह समरा ने राहुल भंडारी को मिलकर मंडी के प्रबंधों को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव उनके सामने पेश किए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मलेरकोटला धूरी संगरूर पटियाला आज मैं पूरे जिले का विजिट कर रहे हैं, DCs ना मीटिंग कर रहे हैं बाकी प्रोक्योरमेंट एजेंसियों के स्टाफ के नाल ताकि जी प्रोक्योरमेंट हूँ इस टाइम पीक पर चल रही है, करीब पूरा पंजाब 60% क्रॉस कर गया और ये अगले हफ्ते 10 दिन के कंप्लीट हो जानी है।
ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੂਜ਼ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 180-182 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 115-116 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 crore ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲ ਠੀਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਚਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਪਰਚੇਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। आने वाले नगर निगम चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने वार्ड में टिकट के लिए दावेदारी शुरू कर दी गई है। इसी के चलते अमृतसर के वार्ड नंबर 49 में पड़ते चौंक पासिया में आम आदमी पार्टी के दीपक बग्गा द्वारा अपने इलाके में पार्टी का कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय का उद्घाटन विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय गुप्ता और दीपक बग्गा ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो 70 वर्षों में नहीं किया, वह आम आदमी पार्टी ने कुछ ही समय में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि इस दफ्तर में लोगों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 49 च इत्थे अपनी आम आदमी पार्टी का एक चौंक पासिया के अंदर नवा दफ्तर खोलिया। अज बड़ी खुशी का दिन है और मैं बड़े गर्व ना कहना कि आम आदमी पार्टी का जिहड़ा परिवार है वह दिन प्रतिदिन जिहड़ा वड्डा हो रहा, उहदे विच सैकड़ों ही लोग जिहड़े हज़ारों लोग चाहे वह BJP के ने चाहे वह कांग्रेस के ने, वह सारे उधरों छड़ के और आम आदमी पार्टी के नाल जुड़े ने। जिहड़े साडे केजरीवाल जी है, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी है, तो साडे जिहड़े अमृतसर के नंबर 1 MLA है डॉक्टर अजय गुप्ता जी, उन्हां दी दिशा अनुसार वार्ड नंबर 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ID ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਮੇ आंवला पूजन का वार्षिक मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के चलते 1 नवंबर को गोपाष्टमी के अवसर पर अन्नपूर्णा गौधाम मंदिर की गौशाला में गौ माता की पूजा की गई। पूजा पंडित विष्णु प्रसाद जोशी जी ने करवाई। मंदिर कमेटी के सभी सदस्य शुभ अवसर पर उपस्थित थे। गौरतलब रहे कि आंवला पूजन मेला कई दशकों से इस मंदिर में मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। आंवला पूजन मेला गोपाष्टमी को आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। आंवले के वृक्ष के पूजन से इन सभी की पूजा संपन्न हो जाती है। इन दोनों में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से वर्ष भर के अन्न के विकार समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु संतान के लिए, विवाह के लिए और मकान के लिए मौली और कलीरे बांधकर तथा ईंटों की कोठियां बनाकर मन्नतें मांगते हैं। इस अवसर पर मंदिर में महिला संकीर्तन मंडल द्वारा रखे श्री भगवत महापुराण के पाठ का भोग भी डाला गया, जिसके बाद सुनीता टंडन ने मंदिर प्रांगण में संकीर्तन कर आई हुई संगत को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर प्रधान भारत भूषण ज्योति, महासचिव सुनील ज्योति, पंकज ज्योति, विपन उप्पल, राजेश ज्योति, राजेश नोना, राकेश शर्मा, राजेंद्र ज्योति, ललित मित्तल, ईश चोपड़ा, लक्की कपिला, राकेश बारी, अरुण कपूर, अरुण जोशी, अश्विनी हांडा, राजेश शर्मा, हितेंद्र कपूर भी उपस्थित थे। जलंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। अन्नपूर्णा मंदिर विच आंवला पूजन दा, तुलसी पूजन दा सालाना मेला शुरू हो चुका है। अज गोपाष्टमी नूं गौ माता दी पूजा करके ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਧਵਜ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ
भविष्योत्तर पुराण दे विच अन्नपूर्णा दी कथा आंदी है कि धनंजय नाम दा एक ब्राह्मण काशी दे विच ज्ञान वापी दे उत्ते भुखा सो गया। उनू रात नू एक ब्राह्मण रूप दे विच भगवान शिव ने दर्शन दिते ते उनू कहा कि मां अन्नपूर्णा दा व्रत कर। वह अन्नपूर्णा का बंदर लभदा लभदा इधर उधर घूमता रहा, उन्होंने कितने लभ्या नहीं। फिर वह घूमते घूमते एक वीरान जगह पर पहुंचा, उन्हें देखा कि एक ही सीढ़ियां उतर के एक बावड़ी है और उसके सामने माता अन्नपूर्णा विराजमान है और भगवान शंकर नूं भिक्षा दे रही है। उन्हें माता की अर्चना की और माता ने उन्होंने कहा मेरा एक मंदिर जाके काशी विच बना, उत्थे मैं वास करांगी। ते माता अन्नपूर्णा के दो प्रसिद्ध मंदिर एक काशी विच एक जलंधर दे विच, ए उसी तरह का मंदिर है जिस तरह का भविष्योत्तर पुराण दे विच वर्णन किया गया। इक्की सीढ़िया उधर के सामने बावड़ी भी है और सामने माता अन्नपूर्णा बावड़ी दे विराजमान है और इत्थे बहुत ही श्रद्धा के नाल लोग आते हैं, मां का प्रसाद लेंदे है, इत्थे कोठियां बनाते हैं, संतान की मन्नत मंगते हैं, जिन्हों का विह नहीं होंदा इतने कनीरे बन जाते हैं, मौली बन जाते हैं, उन्हों का जो काम हो जाता पूरा कार्य पूर्ण होते वो खोल जाते हैं, उन्हों का जिहड़ा रुकिया हुआ काम वो सब पूरे हो जाते हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर जलंधर की विभिन्न जगहों पर गौ माता की पूजा कर लोग कल्याण की कामना की गई। इसी तरह गौशाला प्रबंधक कमेटी की ओर से गौशाला पिंजरा पोल टांडा रोड में गौ पूजन के साथ साथ हवन यज्ञ भी किया गया। इस मौके पर गौशाला के प्रधान रवि कक्कड़, चेयरमैन सुदर्शन शर्मा, उपप्रधान कुमार राज, मैनेजर पंडित रवि प्रकाश कालिया, असिस्टेंट मैनेजर एडवोकेट संदीप थापर, अनिकेत थापर, पूर्व पार्षद भूषण कोहली सहित अन्य गौ भक्तों ने विशेष रूप से हिस्सा लेकर गौ पूजन किया। इस मौके पर उद्योगपति ऋषि राज सूरज कुमार ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गौ माता का पूजन किया। इसके साथ ही सुबह से लगी भक्तों की भीड़ ने गौ माता को चारा गुड़ खिलाकर तिलक आदि कर अपने परिवार एक सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जलंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जरा त्यौहारा है बड़ी धूमधाम गौ माता का दिन है, सब लोग गौ माता को बड़े पूजते हैं और पूजना भी चाहिए, सारे लोगों की गौ माता की सेवा हर तरह ना करनी चाहिए। देखभाल टांडा रोड बुलंदपुर अज गौ पश्चमी का पर्व बड़ी श्रद्धा न मनाया जा रहा, लोग बड़ी ही श्रद्धा न विश्वास न अपने कष्ट कटवाने लिए गौ माता की आके सेवा कर रहे हैं, गौ पूजन हो रहा वा, गौ की आरती हो रही आ, सवेर तो ही संगत आ रही है वा बड़ी श्रद्धा ना, ते हवन जाग्य भी हो रहा वा गौ माता ली, ते उस तो बाद शाम को भंडारे का भी आयोजन कर रही है गौशाला प्रबंधक कमेटी, ते सारी संगत को अपील आ कि गौ माता दे आके दर्शन करो ते अपने मैं अपना दनी सिमरा के बारे में सारे अज गौष्टमी की बहुत बहुत करना चाहता और सारे मैं यही रिक्वेस्ट करना कि तुम सारे जने बढ़ चढ़ के गौ सेवा के अपना योगदान दो और आके गौ माता का आशीर्वाद अज का दिन लैके जाओ क्योंकि अज का दिन बहुत शुभ है और सारियां इस चीज़ का बहुत बढ़िया फल अपने परिवार के अपनी फैमिली के अपने काम काज मिलेगा। तो इस करके मेरी रिक्वेस्ट है कि आओ और गौ पूजा से कबूल करो। गोपाष्टमी के अवसर पर देश भर की गौशालाओं में उत्साह है। गोपाष्टमी को मनाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण सबसे पहले गायें चराने के लिए गए थे। कार्तिक महीने की शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। भागवत के अनुसार ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान गांव कामधेनु समुद्र में से निकली थी। इसकी शुद्धता करने के लिए ऋषि मुनियों ने गांव कामधेनु को अपने पास रख लिया था। हिंदू धर्म में गुरुओं को विशेष दर्जा दिया गया है और कहा जाता है कि गौधन में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। इसीलिए गोपाष्टमी के मौके पर सुबह से लोग गौशालाओं में पूजा करते दिखाई दिए। पठानकोट में भी कामधेनु गौशाला में गोभक्त ने कीर्तन और गौ पूजा की। इस मौके पर गौ सेवकों ने कहा कि इस दिन गौ माता की पूजा करने से मनुष्य के अनेकों पाप दूर होते हैं और घर में खुशियां आती हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गौ माता की आरती कर चारा भेंट किया। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। आज का आनंद सिर्फ यहां पर आकर ही मिल सकता है। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गौ भक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कृपया आज के आनंद को लूटने के लिए यहाँ आओ, आनंद लो। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गोपाल अष्टमी के दिन कामधेनु गौशाला
संगत दे नाल गोप पूजा की गई। सारे नगर वासियों नू इहदी बहुत बहुत बधाई और बाकी नगर वासियों नू अपील है कि अज दे दिन आके गोप पूजा करो ते सानू दर्शन दो और प्रभु दे दर्शन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व डिप्टी सीएम व अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता व लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चरण सिंह अटवाल की धर्मपत्नी इंद्रजीत कौर अटवाल के निधन पर उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान सुखबीर बादल ने शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में अटवाल परिवार को ढांढस बताया। चरणजीत सिंह अटवाल जिहड़े पंजाब दे स्पीकर भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, कल बड़ी दुख नाल कहना पैंदा कि उन्हां दी वाइफ गुजर गई। अज अफसोस करन वास्ते मैं आया। अटवाल साहब ने सारी जिंदगी श्रोमणी अकाली दल विच लाई, तो मैं कहना कि एक परिवार अकाली दल ही एक परिवार है। सो मैं दुख सांझा करन वास्ते आया, तो उन्हें पूरा यकीन दिखाया उन्हें बच्चों को भी उन्होंने कोई साडा तरफों पार्टी तरफों, क्योंकि इस समय जो कोई नुकसान होंदा या कोई साथी छड़ के जाता है एक बहुत बड़ा दुख होंदा है। जिवें सियाणे कहिंदे दुख वंडाओ तो दुख घटदा है, तो दुख वंडाउण वास्ते आए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जलंधर के अधीन आते भोगपुर के गांव चक झंडू में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को आधुनिक हथियारों सहित किया काबू। भीकीवन के अधीन आते गांव डल में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर की हत्या, से 13 भाई गंभीर रूप से घायल। थाना गोइंदवाल साहिब के अधीन आते गांव वेईपुर के नजदीक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रेलिंग से टकराया, एक की मौत एक घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।